यहाँ पे हम लोग स्मार्टफोन की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसे एप्लीकेशन है जो कि हम सभी के फ़ोन में है और वो है यहाँ पे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को आज के टाइम पे हर कोई यूज़ करता है और इसी व्हाट्सएप में कुछ नए अपडेट आने वाले हैं। चाहे आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, चाहे व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हो, ये अपडेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेट जो है आने वाले टाइम पर चर्चा का विषय भी बन सकते हैं। तो क्या ये अपडेट, इन्हीं के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो भी मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ ये सारे व्हाट्सएप बीटा इन्फो की तरफ से कंफर्म किए गए हैं और साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक से डेढ़ महीने के अंदर में आपको सारे अपडेट आपके फोन में, आपके व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट है पहले मिलते हैं यहाँ पर बीटा टेस्टर को और ये वाला अपडेट भी पहले बीटा टेस्टर के पास में आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर बीटा टेस्टर नहीं हो तो उसके लिए फटाफट से प्ले स्टोर में जाके वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और अगर आपने अप्लाई किया तो अच्छी बात है, यानी कि बीटा टेस्टर में फायदा ये है कि जो पहले अपडेट आते हैं वो बीटा टेस्टर के लिए आते हैं तो आप वहां पे उनका आनंद जो है सबसे पहले ले पाओगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से नए अपडेट आपको आपके व्हाट्सएप में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अचीव चैट के बारे में। अब अचीव चैट अगर किसी को नहीं पता है तो अचीव चैट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चैट को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हो या फिर किसी ग्रुप को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो ऊपर की तरफ आपके सामने एक आइकन बना हुआ आता है, वो है अचीव का आइकन। अगर आप वहां पर अचीव पे क्लिक कर देते हो तो आपकी जो चैट है, जो वहां पर ग्रुप है, वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। इसका फायदा यहाँ पे ये है कि अगर आपका मोबाइल जो है आपने किसी के पास में दिया है या फिर आप अपनी चैट को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने चैट को अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने किसी चैट को यहाँ पे अचीव करा है और उस चैट में जो है कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो चैट जो है ऑटोमेटिक ही अनअचीव हो जाती है। तो जरा सोच के देखो कि आपकी कोई खास एकदम पर्सनल वाली चैट है और वो चैट आप डिलीट भी नहीं कर सकते तो आपको वहाँ पर उस चैट को अचीव भी करना पड़ता है और अचीव करने के बाद अगर आप किसी के हाथ में मोबाइल दे देते हो और वहाँ पर वो मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो चैट वहाँ पे ऑटोमेटिक अनअचीव हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक नया फीचर आने वाला है या फिर कहो कि एक नया ऑप्शन आने वाला है जिसका नाम है यहाँ पे वैकेशन मोड। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो आपकी चैट यहाँ पे ऑटोमेटिक अनअचीव नहीं होगी, जब आप चाहोगे तभी वो चैट यहाँ पे अनअचीव होगी। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छा फीचर है, कुछ खास लोगों के लिए ये फीचर जो है बहुत ही काम का होने वाला है। दूसरा जो अपडेट है वो है यहाँ पे साइलेंट मोड को लेकर। अभी जो साइलेंट मोड है हमको व्हाट्सएप में पहले से देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी हम कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज करते हैं तो उस लॉन्चर में जो है यहाँ पे ऐप बैच का जो ऑप्शन होता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट अगर दिखाए जाते हैं और अगर आपने किसी चैट को यहाँ पे साइलेंट किया है तो उसके बाद भी वो डॉट जो है आपकी व्हाट्सएप के आइकन में दिखाया जाएगा। ये यहाँ पे एक बग कहो या फिर कहो कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी जो लॉन्चर है उसके साथ व्हाट्सएप का जो तालमेल है वो ठीक से नहीं बैठता है तो उस चीज को यहाँ पे भी अब यहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई नया सेटिंग में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये डिफॉल्ट में व्हाट्सएप की तरफ से इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा अपडेट जो है आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो यहाँ पे तीसरा अपडेट है वो यहाँ पे बहुत ही कमाल का अपडेट है और बहुत ही चर्चा का विषय भी बन सकता है आने वाले टाइम पे, और वो अपडेट ये है कि अब आप अपने व्हाट्सएप में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का और वहाँ पे आप लोग जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने व्हाट्सएप के साथ में ऐड कर सकते हो। और पहले ये जो अपडेट है ये मिलेगा केवल व्हाट्सएप बिजनेस वालों को, उसके बाद जो है सभी व्हाट्सएप वालों को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है व्हाट्सएप बिजनेस में ही ये अकाउंट, यानी कि ये जो अपडेट है ये देखने को मिलेगा। अब पहले इसके फायदे की बात करते हैं जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा। तो पहला फायदा यहाँ पे ये है कि अगर आप व्हाट्सएप में कोई स्टेटस लगाते हो तो स्टेटस जो है ऑटोमेटिकली आपके जो है इंस्टाग्राम पर भी शो करेगा। दूसरा फायदा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका अगर कभी पासवर्ड रिकवरी करनी होगी तो वहाँ पर ये फीचर काम में आएगा। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए यहाँ पे बन सकता है कि पहले तो व्हाट्सएप जो है अपनी अलग से रोजी रोटी यहाँ पे खा रहा था, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक आ गया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खा दिया और उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया व्हाट्सएप को खाने के लिए। यानी कि कुल मिला के आपका जो डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है फेसबुक की तरफ से और डेटा की कीमत आप लोगों को पता है आज के टाइम पे क्या है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो अपडेट है तीसरा वाला, जहाँ पे आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट आपके व्हाट्सएप के साथ में कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे फायदा का सौदा है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरे हिसाब से तो हाँ, ये अच्छी बात है यार कि आप जो है दो अलग सोशल मीडिया को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में जो है आपके साथ में बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या होगा, डेटा के साथ में क्या होगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो ये कुछ अपडेट था जो कि कुछ टाइम बाद में आपको आपके व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे। अगर आपके वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।